चीज़ जो हम नज़ारे देख रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि इस मुल्क में अब बिल्कुल कानून भी आइन भी सब कुछ उसको रोंदा जा रहा है। एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी कत्लेआम हो रहा है, और जो चादर और चारदीवारी की जो एक हमारे कल्चरल जिसका कि कानून से कोई ताल्लुक भी नहीं है उसको भी बुरी तरह से रोंदा जा रहा है। ये बुजदिल शर्मनाक लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, इससे अवाम का गुस्सा और बढ़ेगा, इससे अवाम और भी ये जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। किसी भी घर को जबकि सारी उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, सारा वो आईन कानून के सामने पेश होने आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो उनके घर के साथ किया जा रहा है ये तो ज़ाहिर होता है कि क्या क्या इनके इरादे क्या हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए। ये दिन देखें, ये इस किस्म की मुल्क को आपने इस तरह कर दिया, फिर आप खाना जंगी को नहीं रोक सकते हैं। आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि इस मुल्क के सबसे अहम तरीन लीडर और इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके घर पे आपने चढ़ाई कर दी है, और जबकि वो है भी नहीं उनके घर की, उनकी बेगम वहाँ पे घर पे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अब ये सारी दुनिया देख रही है कि हमारे सर शर्म से घुस गए हैं कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें कि ना चादर चार दीवारी, कानून, इंसानियत, अकदार, कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में अब क्या तवक्को रखते हैं कि जो मुल्क में आग लगी हुई है और ये लोग सिर्फ इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, मुल्क को कौन चलाएगा? मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मुल्क तो खड्डे में गिर गया है। और अब ये इस किस्म के इमेजेस जो इंटरनेशनली जाएंगे कि जिसमें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पे चढ़ाई कर दी गई है जब वो घर में मौजूद ही नहीं है और उसकी फैमिली मौजूद है, मेरा ख्याल है कि ये तो मर जाने का मकाम है। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि यार इस किस्म के हालात में मैं इस और मेरे कई करोड़ों पाकिस्तानी साथी, उनके सर शर्म से घुस गए हैं, झुक गए हैं, और हम एक ऐसे हालात में हमें उलझा दिया गया है जैसे कि मुल्क तबाह हो गया है, और ये जो चंद एक लोगों का टोला है वो इस मुल्क को ईंट से ईंट बजाना चाह रहे हैं, और उनको ना कानून की ना आईन की ये सब चीज़ों से मुबर रहे हैं। शबली फराज साहब, इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसमें कौन सा आसमान गिर जाएगा? आप करें सवाल। शबली साहब, अभी खान साहब इस वक्त क्या इतलात हैं, कहां पर पहुंचे हैं, और क्या देखिए अकेले आने की? हमारी इतलात के मुताबिक वो टोल प्लाजा तक पहुंच गए हैं, लेकिन टोल प्लाजा को भी रोक दिया गया है, वहां पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है, वो आने नहीं दे रहे। मकसद यही है कि ये इधर 2:30 बजे 3 बजे तक जो भी कोर्ट आवर्स हैं उसके अंदर वो यहाँ पे पेश ना हो सके और उन पर कंटेप्ट लगा दी जाए। तो हर कदम पे आपको बदनीयती नज़र आ रही है। कानून के रास्ते में हायल कौन हो रहा है इस वक्त? ये उस वक्त जो खड़े हैं उधर रोक रहे हैं खान साहब को अपने इस कोर्ट में आने के। तो अगर गिरफ्तारी आज होती तो क्या लाया अमल होगा पीटीआई का? देखिए, ये तो हमने फैसला करना है। कानून के सारे तकाजे हमने पूरे किए हैं, सारी ज़मानतें हैं, वो जो सारे जो एक मसनूई और सियासी बुनियादों में बनाए गए केसेस और उसके बावजूद हमने सारी बेल्स ली हुई हैं। अगर उसकी भी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन लगता तो अब ये है कि कानून की बात तो हो ही नहीं रही है। ये तो अब जिसकी लाठी उसकी भैंस की वाला कानून चल रहा है। ये तो अब आम हालात हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। आप पैन करें अपने कैमरा को जिसमें कि आप देखेंगे कि लगता ये है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है उसको लाया जा रहा है। शिवली फराज साहब, ये जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं इसकी दरख्वास्त आपने ही की थी, और अब आपको इस पर एतराज़ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे एतराज़ नहीं है। ये देखिए, सिक्योरिटी अगर कर देनी है तो खान साहब को देनी है, और वो जो उधर आए हुए हैं उधर, तो उधर से सिक्योरिटी में उनको लाना चाहिए था। ये तो एक कंपाउंड है, सिक्योर कंपाउंड है, इनको तो बाहर खड़ा होना चाहिए था कि कोई आ ना सके। अंदर इनका क्या काम है ये बताएं ना, कि आपने इस बिल्डिंग को सिक्योर करना है या आपने बंदे को सिक्योर करना है? अगर बंदे को सिक्योर करना है, आप जो परिफरी है इस पूरी कॉम्प्लेक्स की, उधर ये जो है तो अपने इनको खड़ा करें। अंदर आने का क्या मकसद है? ये इंटिमिडेशन है, और कानून की खिलाफ वर्जी हुई, हमारे पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, आवाम खुद फैसला करेंगे। खान साहब ने अभी तक कोई कॉल नहीं दी है, और इस अब मुल्क के आवाम जिस कर्व से गुजर रहे हैं, जिस महंगाई तोड़ कमर तोड़ महंगाई से गुजर रहे हैं, जिस तरह के कानून की किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस वक्त, अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में, मैं तो ये कहूँगा कि जो चोर डाकू हैं वो उनको खुला राज है, क्योंकि सारी जो फोर्सेस हैं उसकी, पुलिस की या जो भी हैं, वो सारी इधर खान साहब के लिए ले आए हैं वो, और उसका मकसद यही है
कि किस तरह से डराया धमकाया जाए। अगर गिरफ्तार करना है वो खान साहब खुद पेश हो रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एक चीज़ है जो कि आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये सिक्योरिटी होती तो ये बाहर खड़े होते और बाहर पे वो करते अपनी चौकीदारी करते। शिवराज साहब, ये पीटीआई खाना जंगी की धमकी क्यों लगा रही है? हमने तो भी धमकी लगाई नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये कर रहे हैं। आपने खाना जंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, थोड़ी वजाहत अगर कर दें ताकि कोई गलत फहमी ना हो जाए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जी, मक्का वजर तो मकान दमश खबर हो, सही है आपने। आप सुन रहे थे सेनेटर शिबली फराज को, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ये हुकूमत जो है ऐसा करके खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर देगी। मगर इसी हवाले से जब सेनेटर शिबली फराज से सवाल किया गया कि पीटीआई खाना जंगी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही है, तो शिबली फराज ने उस सवाल का जवाब देने से मना किया, बल्कि अपने साथी जो उनके साथ थे MNAs और सेनेटर खड़े थे उनको भी इस सवाल का जवाब देने से रोक दिया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, इन इंतजाम को देखकर भी शिबली फराज सेनेटर जो हैं उनको ये खदशा पैदा हो गया है कि ये तमाम अफराद शायद एक शख्स साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मगर ऐसे खदशात तो उन कारकुनों के लिए भी हैं कि जो ये मनाजर देख के ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये जो डंडे पकड़े गए हैं, डंडे हैं FC के हाथों में, शायद ये भी उन्हीं के लिए हैं। बहरहाल खदशात तो किसी किस्म के किसी को भी हो सकते हैं। असल में क्या होगा, ये जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँचेंगे तो उसी वक्त मालूम होगा कि आया इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं। डॉक्टर साहब सर थोड़ा टाइम दे देना। अच्छा, बाद में आप नहीं मिलेंगे सर, बहुत रश हो जाएगी। अच्छा।